कर रहे हैं। कुकुर मुक्ते गैंग है, इनकी करतूत मैं जानता हूँ। स्वागत है, एके मिश्रा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एके मिश्रा साहब का बहुत स्वागत है। एके मिश्रा साहब, ये दो पार्टियों का मसला नहीं रह जाता ना? ब्रिटेन की कोई पार्टी आ चुनाव तो लड़ नहीं रही। अगर मैं, मेरा एक प्रश्न करता हूं, ये काम कांग्रेस या सीपीआई सीपीएम ने खुद क्यों नहीं कर लिया? उनके पास कैमरे कमी नहीं, कैमरामैन कमी नहीं? अमिताभ जी, आप तो खुद पत्रकार हैं, देसी विदेशी पत्रकारिता, टीवी चैनल, इन सबके चाल चरित्र को जानते होंगे। अंग्रेज चले गए लेकिन उनके कुकुर मुत्ते बाकी है जो ये हल्ला मचा रहे हैं। मैं तल्ख शब्दों में बोलूंगा, और कुकुर मुत्तों में भी ये खाने वाले मशरूम नहीं है मोरछैला, जो दिखता तो मशरूम की तरह होता है लेकिन बड़ा जहरीला होता है देश के लिए, और जो खा ले वो मर जाता है। मैं सवाल पूछता हूँ, अभी कुछ साल, 6 महीने साल भर पहले की घटना है, माउंटबेटन की वाइफ एडविना और नेहरू के बीच जो पत्राचार हुआ था, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर इंग्लैंड की एक संस्था खर्च कर रही थी कि उसको मुझे पब्लिश करवाना है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, याद होगा आप लोगों को। जी हाँ। जलियांवाला बाग के ऊपर ये क्यों नहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना के बोलती है कि उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर था और कौन दोषी है? और बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और चिराग के नीचे अंधेरा होता है, दिया तले अंधेरा। प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेघन छोड़ करके पैलेस चली गई, उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ क्योंकि मेघन की स्किन उतनी वाइट नहीं थी जो ब्रिटिश की। अपने देश में वो कुछ नहीं कर पाए, अमेरिका में जाके स्पेयर करके उन्होंने एक किताब निकाली दोनों ने। स्पेयर का मतलब एकदम फेंका हुआ टुकड़ा, जिसकी राजमहल में, राजतंत्र में, उस देश में कोई वैल्यू नहीं थी जबकि वो प्रिंस थे। लेडी डायना की डेथ हुई, उसके ऊपर बीबीसी ने कोई रीजन नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बताई। साहब, अंग्रेजों की फितरत रही है पिछले 200 सालों से डिवाइड एंड रूल। जब तक हम अनरेस्ट में रहेंगे, जब तक हम बढ़ते रहेंगे, और ऐसे कुकुर मुत्ते उनके यहाँ पे पड़े हैं, उनके एजेंट हैं जो कि इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, हम गरीब रहेंगे तो वो अमीर रहेंगे। उन्होंने तब भी लूटा था, आज भी वो लूट रहे हैं। अदरवाइज इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। बीबीसी पहले उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करवा दे जिसके ऊपर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि एडविना और नेहरू के जो लेटर्स थे वो क्या है। भाई क्यों छुपाना चाहती है ब्रिटेन की गवर्नमेंट? ये कुकुर मुत्ते बताएं मुझे, जो जहरीले मोरछैला कुकुर मुत्तर पड़े हुए हैं जेएनयू में और सब जगह हल्ला मचा रहे हैं, इनके मुंह में दही जम जाएगी। इनसे पूछिए वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रिलीज करने दे रहे हैं, नेहरू और एडविना के बीच में जो पत्राचार हुआ था 50 सालों तक, उसमें क्या ऐसी चीज छुपी हुई है? क्यों ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया और एक ब्रिटिश संस्था ही उसको बाहर लाना चाहती है, कोई भारतीय आदमी या संस्था बाहर नहीं लाना चाहती है? इसीलिए मैंने शुरू, ईरान और इराक का भी जो युद्ध हुआ वो भी अमेरिका। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, मैं फजील अहमद साहब के पास चलूंगा, हो सके। पत्रकार के मिश्रा जी को बहुत गुस्सा है बीबीसी पर जी। बीबीसी जब भाजपा की तारीफ दिखाता है, गुजरात फाइल्स दिखाता है, तब इनको अच्छा लगता है। बात ये नहीं है, बीबीसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भारत की, वो स्वतंत्र पत्रकारिता है जो पूरी दुनिया के पत्रकार काम करते हैं, पूरी दुनिया के लोग काम करते हैं। और डॉक्यूमेंट्री मैंने भी देखी है, कोई सुन लीजिए, नरेंद्र प्रधानमंत्री पर, प्रधान, अरे सुनिए ना, अरे सर सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, सुन लीजिए, अभी आपका भी नंबर आएगा, घबराइए मत, आ रहा है अभी, रुक जाइए थोड़ा, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ये, सुप्रीम कोर्ट सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, आप किसको कह सकते हैं? ठीक है भाई, मिश्रा जी, अब आप एक दिन से आ रहे, पहले मिश्रा जी पर उन्होंने आरोप लगाया, वो मिश्रा जी जवाब दे, मिश्रा जी वो कुकुर मुत्ते का मसला आ गया, निपट मिश्रा जी, नहीं आप मोल खराब करते हैं, रही बात गुजरात, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है जी, मुझे एक सेकंड और दे दे, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड और दे दे जी 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 जी। मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, लेकिन मैंने 2002 के दंगे के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी 2 घंटे की, उसको देखा है, उसमें गोधरा दंगे के बारे में सब कुछ बताया गया, जो जला है उसके बारे में बताया गया, उस घटना को दिखाया गया, और गुजरात दंगे के अंदर जो उस घटना को दिखाया गया, इतना दुख मुस्लिमों के साथ, ठीक है नसीम भाई, या मुसलमान बने, दुख हमें सबका होना चाहिए, हमें गुजरात फाइल गलत है, तो ये दोहरी मानसिकता रखने वाले कुकुर मुत्ते इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुकुर मुत्ते गैंग
इनकी मानसिकता गुजरात फाइल में अलग अलग विचार रखते हैं, वो देश के अंदर जो अंग्रेजों से संबंध रखते हैं, अंग्रेजों की नीति के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठे हैं, वे ऐसे कुकुर मुद्दे हैं जो गहरी मानसिकता रखते हैं। अरे गुजरात फाइल गलत है तो कश्मीर फाइल भी गलत है, और कश्मीर फाइल सही है तो गुजरात फाइल भी सही है। हम हिंदुओं के नरसंहार को भी गलत मानते हैं, हम सिखों के नरसंहार को भी गलत मानते हैं, हम मुस्लिमों के नरसंहार को भी गलत मानते हैं। हम इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कुकुर मुत्ते का है, बाद में जांच कराएंगे कुकुर मुत्ते की जांच बाद में। अभी रुकिए, दोनों लोग दोनों रुकिए, एक मिनट। मुझे ऐसा स्मरण आता, गलत भी हो सकता हूं, मैंने तथ्य चेक नहीं किया, नहीं कहीं से दिमाग में टकराया तो मुझे लगा, क्या ऐसा है कि बीबीसी को वहां की सरकार फंड करती है कुछ अंश उसके खर्चे का? अगर ऐसा है तो स्थितियां और भी दूसरी हो जाएंगी, ये जान लीजिए, ये देखा जाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं से मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं से बात आई है, जैसे भारत में प्रसार भारती ऐसा काम नहीं कर सकती किसी के लिए, वो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं, अनुमति नहीं हो सकती ना। एक मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई इसी मुद्दे पर, क्या फंडेड है? बिल्कुल, देखिए अल जजीरा उसने अपने वेबसाइट पे लिखा है कि हमें यहाँ की गवर्नमेंट फंड करती है पार्शियली या फुल्ली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे बहुत सारे मीडिया संस्थान है जो खुल्लम खुल्ला या परोक्ष रूप से वहां की गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फंडिंग है, और केवल इन्हीं सब कामों के लिए। ग्लोबल लेवल पे अमिताभ जी, हम जितना कमजोर रहेंगे वेस्टर्न कंट्री उतनी ही मजबूत रहेंगी, ये मान के चलिए। और परोक्ष में या प्रत्यक्ष में ये सारी हरकतें चलती रहती है। मैं बीबीसी को चुनौती देता हूं कि मेघन मैम के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, और प्रिंस हैरी वो छोड़ के अमेरिका चले गए, उन्होंने वहां किताब लिखी स्पेयर, इंग्लैंड में उनको फ्रीडम नहीं थी लिखने की। जरा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बताया ना कि महल में उनके साथ क्या होता था, उनकी छोटी किस तरह की चर्चाएं होती थी वहां महल में, कि अरे ये मेघन को जो बच्चा होगा तो व्हाट विल बी द मतलब कि ये स्किन का कलर क्या होगा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्किन, कि मेघन का कलर का स्किन वो उतना ठीक है। ठीक, हमको मालूम है, ठीक है ठीक है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। हो सकता है कि अभी कोई खुश हो कोई नाराज हो, मेरी हम अमेरिका ब्रिटेन पर नहीं जा रहे, हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है। हम तो डेमोक्रेसी में, हमें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व है, दुनिया में वर्ल्ड में हम नंबर वन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों बार बार आपको ये तकलीफ होती है कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता तो विदेश में ऐसा नहीं? अरे भाई हम दुनिया से नंबर वन में है, इस बात का गर्व होना चाहिए। ठीक है, आगे बात, आगे। एके मिश्रा जी, मैं वही बात कहता हूँ, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये कब बंद होगा भारत में? सारी बातें अच्छी, लेकिन ये जो बीमारी है ये सब अच्छाइयों पर को पानी कर देती है। कोई भी आदमी सच बोलने को, कोई भी नेता सच के साथ खड़े होने को एक सेकंड तैयार नहीं। वो पहले पूछता मेरे मतलब की चीज है तो मैं साथ खड़ा होऊंगा, मेरे खिलाफ है नहीं। अमिताभ जी ऐसे तो नहीं चलेगा जी, सही बोला कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मतलब ऐसे लोग मतलब निकालते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम है हमें, कि मैं डिबेट में बैठा हूं तो मैं सबको गाली भी दे सकता हूं और गंदी गालियां दे सकता हूं। इसी तरीके से मुझे अगर फिल्मोग्राफी करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, और वही एब्सोल्यूट फ्रीडम का आपने नाम लिया जो नीली सीडी है वो क्राइम मानी जाती है। जाफरी की हत्या, उसके परिवार की हत्या हुई, एक पूरी कंपनी को जला दिया गया, 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए गुजरात के। जेल में डालूंगा, प्रूफ करना होगा, सब भाग गए। इनके पास अब अपना कोई आइडिया है नहीं, तो ये विदेशों की मीडिया एजेंसी के सहारे अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी पाकिस्तान के सहारे लड़ाई लड़े, कभी चाइना के सहारे, अब ब्रिटेन के सहारे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मारे गए, नहीं मारे गए, अमेरिका से लोग आके मारे, पाकिस्तान से लोग आके मारे, लंदन से आके मारे, ब्रिटेन से आके मारे, कि गुजरात के लोगों ने मारा? तो गुजरात के लोगों को मारा तो कौन लोग थे जिन्होंने मरवाया और जिन्होंने मारा, तो उस पर तकलीफ हो रही है?
क्यों तकलीफ हो रही है भाई? प्रिंस हैरी इसकी भी डिमांड उठा लीजिए ना, थोड़ा सा बायस मत होइए। प्रिंस हैरी और मेघन तो बना भागलपुर दंगे की भी रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन वो मेरठ दंगे की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। अरे गुजरात के अंदर मारा गया, उसमें आपको दुख है? दोहरी मानसिकता है, इनका दोहरा चेहरा है। भारत को तोड़ना है, कोई भी मिल जाए, ये देखेंगे नहीं। ठीक। एक मिनट, आगे आपके बाद फजील अहमद आगे। लास्ट कमेंट फ्रॉम दिनेश।